हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कंप्यूटर जीके नॉलेज, जो कि 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि CCC SSC बैंकिंग, जो कि आल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, ये पार्ट हमारा 4 है, जो कि 600 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करवा दिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल SS स्टडी 2.0 पर है, तो मिल जाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बगैर समय गंवाए हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी चिप किसकी परत होती है? तो याद रखिए, किसकी होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका सिलिकॉन की, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा द्विधारी अंक पद्धति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? याद रखिए, किस भाषा का किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, तो याद रखिए, कोबोल भाषा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, फोर्टेन एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को की जो कि को नीव पर नीव का पत्थर कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए, फोर्ट्रान जो कि एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा का को नीव का पत्थर कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बेसिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, देखिएगा, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो याद रखिए, कहाँ लगाई गई कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था, तो याद रखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए, ये सभी पेज मेकर का वर्ड स्टार और जो कि MS वर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑल याद रखिएगा, ठीक है, ऑल याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या, देखिए, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा, क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या, बैंक में चेक यू रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बैंक में चेक यू रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा MICR, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, जो कि दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, तो याद रखिए, कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी कि दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है, दोनों याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या, विंडोज सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? तो याद रखिए, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसके द्वारा, तो IBM द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। IBM बोले तो नेशनल जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिए, IBM का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो याद रखिए, विंडोज किस
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किस प्रकार का है, GUI, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखिए क्या, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। विंडोज 98 का विकास कब हुआ, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विंडोज 98 का विकास कब हुआ, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 1998 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिए चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे क्या, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो याद रखिए किस राज्य में है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, तो याद रखिए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है, तो याद रखिए फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किस देश में, तो अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखिए क्या कहा जाता है, तो कुंजी पटल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो याद रखिए सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है, तो याद रखिए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या, देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो याद रखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किस पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो याद रखिए सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है, तो याद रखिए कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे माउस की क्रिया है, तो याद रखिए माउस की क्रिया क्या है, तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी की दूसरी की के साथ में प्रयुक्त की जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या, ग्राफी जो कि ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा किसकी सहायता से, तो स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्य का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका साउंड कार्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस नाम की दबानी पड़ती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच जो कि जगह छोड़ने के लिए किस नाम की दबानी पड़ती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए स्पेस बार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, देखिए कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर यानी कि IQ होता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर का
बुद्धिमत्ता स्तर यानी कि आईक्यू होता है, तो याद रखिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो कि होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए क्या होता है, तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या होता, शून्य होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिएगा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किसमें भेजी जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल किसमें भेजी जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए रिसाइकिल बिन, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए किसमें जाती है, तो रिसाइकिल बिन में, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डिस्क ड्राइव में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, क्या देखिएगा विंडोज जो कि विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए विंडोज 7, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, क्या है सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो याद रखिए सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इंटरनेट को, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इंटरनेट को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, क्या है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखिए ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए रे टॉमसन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या है रे टॉमसन, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, क्या है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो याद रखिए सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो याद रखिए कौन सी है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा संप्रेषण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, क्या है वेब पेज को रीलोड करने हैं तो कौन सा बटन दबाएं जो कि दबाए जाते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, वेब पेज को रीलोड करने के हैं तो जो कि कौन सा बटन दबाए जाते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा रिफ्रेश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या रिफ्रेश, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, क्या है ईमेल लिखना किसके समान है, तो याद रखिए ईमेल लिखना किसके समान है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए ईमेल लिखना एक पत्र लिखना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्या है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए मोशन पिक्चर मतलब क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए क्या वीडियो एडिटिंग, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, क्या देखिएगा निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो याद रखिए निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ये सभी, याद रखिएगा रेडिप मेल, याद रखिए याहू है, हॉटमेल, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों, क्या है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिएगा भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो याद रखिए किस प्रकार का है, तो सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए गणना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, गणना संयंत्र एवाकस का आविष्कार किस देश में हुआ, तो याद रखिए किस देश में, तो चीन में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, IMAC एक प्रकार का है, तो याद रखिए IMAC एक प्रकार का एक मशीन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्या इस क्वेश्चन
क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। कौन सा एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने अतिरिक्त संसाधनों को व्यक्त करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने अतिरिक्त संसाधनों को व्यक्त करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा कौन सा नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। याद रखिए क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, याद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे क्या है, जो कि विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्म जो कि फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो दोस्तों याद रखिएगा विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका NTFS, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, याद रखिएगा NTFS, याद रखिएगा क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किस की मैनेज करता है। तो याद रखिए कि तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किस की जो कि मैनेज करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि मेमोरी है, प्रोसेसर है, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, विंडोज में फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है। तो याद रखिए विंडोज के अंदर जो कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सब फोल्डर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इनमें से एक कंटेनर जैसा है जिसे आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फोल्डर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का तैयार करते हैं। तो याद रखिए क्या तैयार करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा शॉर्टकट आइकन तैयार करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बूट होने के बाद जब आपका कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होते हैं तो जिस स्थान को आप देखते हैं वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डेस्कटॉप कहलाता है जिस स्थान को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे क्या, देखिएगा विंडोज 7 जो कि रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है। तो याद रखिए किस लिस्ट द्वारा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका जंप लिस्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं क्या है, विंडोज एक्सेसरीज में किस कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, विंडोज एक्सेसरीज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, याद रखिए क्या ऑप्शन नंबर जो कि आपका मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हुई, तो कमेंट और लाइक करके जरूर हमको बताइए। तो दोस्तों चलेगा, चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।